हूँ इस वक्त आसाम के लोहार घाट में, और यहाँ कोई मॉल नहीं है, उस तरह के जनरल स्टोर्स नहीं हैं। तो जो भी लोग हैं वो डिपेंड हैं जो संडे मार्केट होता है, जिसको कि हाट भी कहते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा मार्केट लगा हुआ है, कैसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आप किसी भी सोसाइटी को, कल्चर को, लोगों के पहनावे को देख सकते हैं। चलिए तो मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट। ये देखिए अलग अलग तरीके का फिश, राइट। ये क्या है? अच्छा गन्ना, ये शुगर केन है। गुड, सो यू कैन टेक ईच एंड एवरीथिंग हियर। सो दीज आर बुक्स, ग्रेट। ये क्या है? पत्ते, अरबी के पत्ते। ये लोकल केला, ये ड्राई फिश। गुड, ये क्या है? हरण। अच्छा हरण, हरण, ये हरण है, जो कि हरण बहेड़ा आंवला, जो कि आयुर्वेद में जिसको माता कहा जाता है। ये देखिए हरण। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये किसका घोंसला है? अच्छा वो सूखा हुआ जो होता है। हाँ, पम्पकिन, खीरा, लौकी, तोरी, ये सूखी हुई तोरी। हाँ हाँ हाँ, याद आया, बॉडी साफ करने। हाँ हाँ हाँ, ये स्क्रब का काम करता है। ये एलिफेंट एप्पल है शायद, खट्टा होता है। ये एलिफेंट एप्पल है, खट्टा होता है, देखो साइज भी इसका एलिफेंट जैसा ही है। और ये तांबूल, ये अच्छा, ये तांबूल, ये अरबी के पत्ते हैं, ये अरबी के पत्ते हैं। सो मास्क इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ये लीजिए ज्वेलरी। क्रॉकरीज और भी जो डेली यूज में आने वाली चीज़ें हैं, ये हल्दी, फिर हल्दी बहुत है, ये सीड्स, ओ बैग्स, ग्रेट, पिचकारी, कलर्स। बिल्ली तो बिक्री का नहीं होता है। जो मैं नहीं खाता हूँ वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बैगन। ये सब क्या है? हर्ब्स, सीड्स, ये बीज हैं, खुले हुए। ये मिट्टी के बर्तन, चिलम्बिया यहाँ पर लगा सकते हैं। मुरी, नॉर्थ इंडिया में से चिड़वा भी बोलते हैं, मुरी भी बोलते हैं, लैया भी बोलते हैं, झाल मुरी। ये इसकी बनी हुई कुछ स्वीट डिश, ये चूना है, आप लगा सकते हैं। ओ माय गॉड, ये है बेपन, बट मैं ला नहीं सकता हूँ ये सब। ये क्या खुकरी है जैसी है? ये लोकल मेड है। और ये आरी, मैं वैसे दिखाता हूँ हाथ में लेके।
उड़ा सकते हैं एक ही में। लो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, फिलहाल ये बैल के लिए है। ये क्या है, केला? ओ अच्छा अच्छा, केले को देखो किस तरह से पैक किया हुआ है। वही सब चीजें हैं और वो खोखरी पैक भी है कवर के अंदर, यानी कि वो पूरा हैंडमेड है, लकड़ी का ही मूठ है। लो अब हम आ गए ऑलमोस्ट फुल फ्लैश सब्जी मंडी में। ये क्या है, ये है मूली, ये मूली है यहाँ की, इसका रंग गाजर जैसा है। देखो गाजर मूली दोनों ही एक साथ हैं। ये नदी के किनारे लगा हुआ है मार्केट, ये बराबर में नदी है। इस नदी का नाम क्या है? बाथा। बाथा नदी, यानी कि बात सकते हैं यहाँ पर। वाओ फ्रेश वेजिटेबल्स। उनके पास दाल, चावल, ब्राउन राइस, यहाँ सारा वॉशिंग का सामान है, नहाने धोने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए प्याज लहसुन भी है। तामसिक और राजसिक दोनों ही चीजें हैं। बर्तन ये क्या कांसा है, पीतल है? कांसा नंबर तो लगे। ये देखिए लड़कियां, महिलाएं, ये सबसे ज़्यादा यहीं पर होती हैं। ये गारमेंट्स, बच्चों के कपड़े, साड़ियाँ, वैरायटी ऑफ बैग्स, ये पूरी शॉप्स की लाइन इन्हीं चीज़ों के लिए, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। ये देखिए इमली, कितने दिन बाद देखा है ये एक्चुअल इमली। ये कितनी वैरायटी की ड्राई फिश है। ये तो बना के आते हैं बाहर से, वो लोकल है जो ओके औरतें बैठी हैं वो लोकल है। हाँ तो जितने भी मर्द बैठे हुए बाहर से आए हैं। ओके ओहो जलेबी। अच्छा यहाँ के बारे में एक बात पता चली कि जितनी भी औरतें हैं वो लोकल हैं, यानी कि वो सामान लोकल है, और जो बाहर से आते हैं वो मेल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ मेल्स नहीं करते हैं ये काम। और ये लोकल एक रेस्टोरेंट, कैंटीन, कुछ भी समझिए, देखो दो दो हैं, आराम से चाय का आनंद लिया जा सकता है। ये क्या है? उधर पोर्क बाजार। ओके फिश। ओह माय गॉड, सीधा साइज ऑफ फिश। ये केवल
फिश का बाजार है और आगे पोर्क मार्केट है। पोर्क तो मैं उधर नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत से लोग शायद नहीं देख पाएंगे उसको काटते पीटते हुए। सो आई एम ट्राइंग टू रेस्पेक्ट ऑल द वेजिटेरियंस। ओ इसको ईल, ईल है ये, देखो जिंदा है, ये सांप की जैसी दिखती है। ओके, ये दही बिक रहा है मिट्टी के बर्तनों में केले के पत्ते से ढका हुआ, क्योंकि ये होली पर दही का सेवन ज़्यादा ही करते हैं लोग, क्लिंजिंग के लिए भी। ओ ये झाड़ू देखिए, ये इसका पूरा एक अलग बगीचा है, ये फूल होता है इसका, ये इसको फूल झाड़ू बोलते हैं। इसमें कोई हैंडल वगैरह मेटल का या प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ है, पूरी तरह से नेचुरल है, पूरा टोटल नेचुरल मटेरियल। 70 रुपीज़ जोड़ा है, 70 रुपीज़ का पेयर है। वो चटाई है, ये मैट, और ये लीजिए केक बिस्किट्स। वाओ अच्छा, ये सब मछली पकड़ने के आइटम है। ये चरखा, ये मछली पकड़ने के लिए हैं, आगे जो लकड़ी के रखे हुए हैं। ये नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल सकते हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी है यहाँ पर, स्पीकर्स। वाओ कितने का है? 160 रुपये। अच्छा चलिए, मैंने विंडो शॉपिंग नहीं की, एटलीस्ट कुछ लेके जा रहा हूँ, और अब मुझे जाना है अपने वापस घर। अब देखिए मेरा रास्ता जहाँ से मैं आया हूँ, वापस आ गए नदी के किनारे। पाथा रिवर, इस मार्केट में आने के लिए पहले आपको बहुत सारा स्पेक्स ये लगाना होगा, क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज है। हालांकि मैं खुद भी गोरा नहीं हूँ, मैं किसी की बजरपट्टू बन सकता हूँ, यानी कि किसी को नजर ना लगे, लेकिन फिर भी मैं बचने की कोशिश करता हूँ कि और काला ना हो। ये एकदम वो आसाम है लेकिन पुराना है, हालांकि यहाँ के लोग बताते हैं इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो गए। नदी में अब बालू नहीं है, इसका पूरा खनन हो चुका है। ये शायद अमलतास है ना? हाँ, ये अमलतास का पेड़, ये फल लगी हुई है, इसका बहुत सारा यूज है आयुर्वेद में। स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार जो भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्राकृतिक है और कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, खाने से लेके लोग भी आर्टिफिशियल नहीं है। वैरायटी के गुलाब, और इनके साथ में अगर मुझे देखेंगे तो काला गुलाब तो जरूर लग सकता हूं मैं। तो चलिए अब कहीं आगे की तैयारी करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।